बड़ी खबर ट्रंप को लेकर आ रही है। नतीजों से पहले ट्रंप की मुश्किल बढ़ रही है। एक मुश्किल जो उनकी बड़ी है वो ये कि उनके कैबिनेट से पहला इस्तीफा तैयार हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। ट्रंप सरकार में पहला इस्तीफा तैयार हुआ है और वो किसका है कि डिफेंस सेक्रेटरी एस्पर ने इस्तीफा तैयार कर लिया है। नतीजों से पहले ही ट्रंप कैबिनेट का यह पहला इस्तीफा, उसकी जानकारी मिल रही है। डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर का इस्तीफा तैयार है, ये जानकारी मिल रही है। यानी ट्रंप के कैबिनेट में भले ही ट्रंप सामने दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि नहीं वो अभी भी लड़ेंगे, वो अभी भी वापस आ सकते हैं और अभी क्योंकि काउंटिंग चल रही है इसलिए उम्मीद भी उनको शायद बाकी होगी, लेकिन ये जो जानकारी है वो निकल कर आ रही है, बता रही है कि किस तरह से ट्रंप के अपने कैबिनेट में शायद ये एहसास उनको हो गया कि अब जाना है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब तक के नतीजों पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन ने लोगों से चीटिंग की है, धोखा दिया है, चीटिंग की है, ये जानकारी मिल रही है। ट्रंप ने कहा है और हमारे साथ धोखा हुआ है, ट्रंप का ये कहना है। मैं कई राज्यों में आश्चर्यजनक से पिछड़ गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी, आश्चर्यजनक तरीके से मैं कई राज्यों में पिछड़ गया हूँ। धोखाधड़ी के बावजूद हम चुनाव जीतेंगे, इस पर अभी भी ट्रंप कायम है। क्या कहा है ट्रंप ने, आइए सुन लेते हैं। डेमोक्रेट्स आर द पार्टी ऑफ द बिग डोनर्स, द बिग मीडिया, द बिग टेक, इट सीम्स, एंड रिपब्लिकन्स हैव बिकम द पार्टी ऑफ द अमेरिकन वर्कर, एंड दैट्स व्हाट्स हैपेंड। एंड वी आर आल्सो आई बिलीव द पार्टी ऑफ इंक्लूजन, एज एवरीवन नाउ रिकॉग्नाइजेस मीडिया पोलिंग वाज इलेक्शन इंटरफेरेंस इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ दैट वर्ड by powerful special interests. These really phony polls, I have to call them phony polls, fake polls, were designed to keep our voters at home, create the illusion of momentum. तो आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि वो आश्चर्यजनक तरीके से कई जगह पिछड़ गए हैं, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है वो अभी भी चुनाव जीतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसी तरह के बयान दे रहे हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।